तो आज के हमारे इस ओके क्लास में हम बात कर रहे हैं कैलकुलेशन, एक्सेल के अंदर हम किस तरह से कैलकुलेशन करेंगे इसके बारे में हम बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं कि कैलकुलेशन एक्सेल में ही क्यों करेंगे। देखिए, एक्सेल में कैलकुलेशन थोड़ा सा इम्पोर्टेंट रोल करता है। क्यों? क्योंकि सिंपल सी बात जान लीजिए कि मोस्ट बाकी जगह पे आप कैलकुलेशन करते हैं तो फील्ड टू फील्ड की कैलकुलेशन होती है, एक फील्ड से दूसरे फील्ड की कैलकुलेशन होती है, लेकिन यहाँ पे सिंपली हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो इस जी समझिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा 10 और यहाँ लिखा 20। अब इन दोनों को मुझे सम करना है तो मुझे जस्ट क्या करना है, इन दोनों को आपस में प्लस कर सकते हैं या फिर मैं सम का फॉर्मूला लगा के यूज कर सकता हूँ। आप बोलेंगे जब सम का फॉर्मूला ठीक ऑलरेडी है तो एक प्लस वाला सिंबल क्यों यूज करेंगे। देखिए, है। कैलकुलेशन करने के दो मेथड होंगे। पहला, जो आपके फॉर्मूला मेनू बार के अंदर इनबिल्ट फॉर्मूला होंगे उसके थ्रू आप कर सकते हैं, पहला। दूसरा दूसरा आप इस्तेमाल कर सकते हैं मैथमेटिकल ऑपरेटर। तो अब इनबिल्ट फीचर्स तो लिमिटेड होगा ना, इनबिल्ट फीचर क्या होगा, लिमिटेड होगा। लिमिटेड हो। लेकिन जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है उसमें इसका कोई लिमिट नहीं है। अब एग्जांपल्स हम आपको बताते हैं। जैसे मेरे पास, हमने एक प्रोडक्ट को बाय किया, हमने प्रोडक्ट को बाय किया बाय 85 रुपीज़ में और हमने सेल किया उसको 95 रुपीज़ में, तो हमारा प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा। प्रॉफिट परसेंटेज परसेंटेज क्या, तो अगर हम मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स में हमारे पास प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला होता है कि सेल माइनस बाय डिवाइड बाय ठीक है। ठीक है। अब इसी फॉर्मूला को यहां ले रहे हैं कि हमने बोला सेल माइनस बाय डिवाइड बाय बाय, क्या लग रहा है, ये रिजल्ट सही देगा। रिजल्ट परसेंटेज नहीं, मेरे को नहीं लग रहा है कि सही देगा। हेलो सर क्यों सही नहीं देगा। नहीं, सही देगा देगा सही देगा। मेरे को लगा बाई माइनस सेल किया आपने, सही देगा। ठीक है। हेलो कर रहे हैं कि सही देगा। हेलो। हाँ, अभी मैं सही मतलब, देगा। सेल माइनस बाई, अच्छा मतलब आपने इसका नाइन्टी मतलब फाइव ये है कि 2 + 2 / 2 क्या रिजल्ट आना चाहिए। 2 + 2 / 2 टू ही आएगा। कर रहे हैं बिल्कुल 100% सच कह अपने रहा है सिस्टम में करके देखिए। सर। एक बार जो मैं करके देखूं, इज इक्वल टू डालेंगे ना। मिनट सर, 1 मिनट, अभी करके देख लेता हूँ कहीं से। सेल में इज इक्वल टू 2 + 2 / 2, 3 आ रहा है, नहीं आ रहा सर। बट मैथमेटिकल में तो हमारे हिसाब से वैसे ही आएगा सर, जैसे हम करते हैं। 4 को डिवाइड बाई 2 से करेंगे तो 2 ही आएगा। सर याद हेलो। कीजिए अपने बचपन की मैथमेटिक क्लास जिसमें आपको पढ़ाया गया था बोर्ड मास। हाँ, बी से ब्रैकेट, डी से डिवीजन, तो सबसे पहले बॉड सबसे पहले बी ओ डी ब्रैकेट बॉड होगा एम ना, तो ए 2 / 2 एस। इक्वल हाँ टू हाँ 1 + 1 = 3 हाँ 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 समझे। एम से मल्टीप्लीकेशन, ए से ऐड, देन सब्ट्रैक्शन, सबसे लास्ट में सब्ट्रैक्शन का होगा बॉड मास। हाँ, तो यहाँ भी हम ब्रैकेट में हम करेंगे सेल माइनस बाय इन द ब्रैकेट और डिवाइड बाय डिवाइडेड ब्रैकेट बाय ब्रैकेट, बाय। देन रिजल्ट आएगा। हाँ और सर सर आप दिल छोटा मत कीजिए, एक गलती सब करता है, मैंने ही पहली बार किया था।
नहीं, दिल छोटा करने वाली कोई बात नहीं इसमें। हम जो है हमको पता है हम क्या है, और हमको मतलब ऐसा थोड़ी नहीं है, तो एक जस्ट एक क्या बोलते हैं, एक्सेल इज जस्ट अ मैजिक। ठीक जो हम है। अगर कोई आदमी पेन पेपर मैथ पे नहीं जानता है, तो एक्सेल में क्या मैथ बनाएगा वो, और क्या मैं सर फॉर्मूला कर। मेरा मैं सिंपल सर मानना है कि अगर आप मैंने पेन पेपर पे स्ट्रांग हो तो उस पे भी हो। और मैं चीजें सीखा था। एक न्यूटन नाम का फिल्म था, न्यूटन न्यूटन नाम का फिल्म आया था, न्यूटन का ना वो, जिसमें ये था आपके पंकज, हाँ, पता है, पंकज पंकज क्या नाम था उसका, पंकज मिश्रा, त्रिपाठी। पंकज त्रिपाठी। हाँ, हाँ जो कालीन भैया है ना, उसका हाँ हाँ डायलॉग कालीन था। भैया, जो सही हाँ, बोल रहे थे। उसका उसका डायलॉग था, 2 + 2 / 2 कितना होगा। तो एक ऑफिसर था जो अपने आप को तोप कह रहा था, वो बोलता है कि 2 होगा। बोलता है, आपने बेसिक फंडामेंटल भूल गए, याद कीजिए अपने मैथमेटिक्स के क्लास जहाँ आपको सिखाया गया था बोर्ड मास। हमने सोचा कि अच्छा चीज़ है, हम भी चेप देते हैं अपनी क्लास में इसको। नहीं, अच्छा किया सर, अच्छा है ना सर, इसी बहाने थोड़ा इंटरेक्शन भी तो रहेगा। कहने का मतलब ये है कि हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन को यहाँ इजीली इन्वॉल्व कर सकते हैं। मैथमेटिकल कैलकुलेशन हम यहाँ इजीली इन्वॉल्व कर सकते हैं। इजीली, अब यहाँ पे ओके। एक ये तो हो गया, चलिए ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि तो ये तो चलो ठीक है, गलत कर रहे लो, हो ये ब्रैकेट का ब्रैकेट चक्कर था सबसे पहले। में। अब चलिए इसमें एक और एग्जांपल देते हैं। अब इसमें हम एक और एग्जांपल आपको देते हैं। अब आप लोगों ने प्रिंसिपल ये किया था, प्रिंसिपल रेट वगैरह तो आपने निकाला था ना, याद होगा, सर, इंटरेस्ट वगैरह कैलकुलेट करना तो आपने निकाला होगा। हाँ, बिल्कुल। तो हम उसी का आपको यहां बता रहे हैं। तो मान लीजिए कि आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करना चाहते हैं। हालांकि इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए ऑलरेडी हमारे पास इंटरेस्ट वाला कॉलम ये दिया हुआ है। लेकिन मैं चाहता हूं अपना मैथमेटिकल फॉर्मूला इस्तेमाल करूं, जैसे कि प्रिंसिपल है, रेट है, टाइम है। प्रिंसिपल हमारा 50,000 है, रेट हमारा मान लीजिए 5% है, और टाइम हमने 10 साल ले लिया। अब मुझे यहाँ अमाउंट निकालना बेटर, ठीक है। है। अब अमाउंट लगाने के लिए एक्सेल का फॉर्मूला तो है, बट मैं क्योंकि एक्सेल का फॉर्मूला मान लीजिए मेरे पैटर्न पर नहीं है, या हम कुछ और एडिशनल करना चाहते हैं, तो उस केस में हम करेंगे हाँ, मैथमेटिकल। तो मैथमेटिक कहता है कि ए इक्वल टू पी मल्टीप्लाई बाई 1 + r डिवाइड बाई n पावर ऑफ t मल्टीप्लाई बाई समझिए। ये तो पूरा मतलब बचपन वाला फॉर्मूला दे दिए सर आप। अब वही तो आप सब, आप दिक्कत होगा कि आप कैलकुलेट कैसे करें, क्योंकि इतना लंबा फॉर्मूला है, अब इतने लंबे फॉर्मूले को कैलकुलेट कैसे करें। और आप बोलेंगे सर मैथमेटिक्स से तो हम भागते चलते थे, आपने वापस मैथमेटिक की क्लास में ही डाल दिया। सर, देखिए क्या तो करें, हम तो एक्सेल सीधा का ऐसे निकालेंगे कि 50,000 का 5% जो है पे होगा। अब 2,500 मतलब ये आपने क्या कंपाउंड मंथ का इंटरेस्ट हम निकाला बात कर है, रहे ईयर का हैं, निकाला है, कंपाउंड क्या इंटरेस्ट कर, है। अच्छा अगर आप फॉर्मूला पे नहीं जाते कंपाउंड हो इंटरेस्ट, ठीक या है। एक्सेल फॉर्मूला पे नहीं जाते हो, तो कुछ इस तरह से निकालना हो 5,000। अब ये आपका 5% डिवाइड बाई 12, देन वी हैव मल्टीप्लाई दैट, और फिर हम करेंगे इसके अंदर ऐड। ठीक है, 1 महीना का हुआ। अब अगले महीने क्या होगा, प्रिंसिपल हो जाएगा 52,250,208, फिर इसका सेम इंटरेस्ट, फिर इसका इंटरेस्ट निकलेगा 209, फिर तीसरे महीने का प्रिंसिपल हो जाएगा 52,417।
समझे? जी सर। तो अब इसको कैसे करें? तो ये चलिए इस पे नॉर्मली हम आते हैं मैथमेटिक्स पे, हम इसको तोड़ेंगे, तोड़ तोड़ के करेंगे। मतलब हम करेंगे यहाँ पे वन प्लस आर डिवाइड बाई एन, आर हो गया हमारा 15% और डिवाइड बाई एन मतलब कि 12, मंथली है या क्वार्टरली हो या तो अलग सर हो। 5% है ना सर। हाँ तो 5% ईयरली है, हाँ तो ईयरली है लेकिन हमें मंथली कैलकुलेट करना है ना। ओके। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है कि एक पर्टिकुलर पीरियड में आपका इंटरेस्ट प्रिंसिपल में ऐड हो जाता है। हाँ वो तो हर हाँ एक तो क्वार्टर वही, या हाफ हाँ ईयरली तो के वो बाद कित, ईयरली के हाँ तो बाद कौन सा ऐड मतलब होता कब जाता है। ऐड होगा, किस पीरियड में होगा, तो मंथ का है कि मंथ में ऐड होगा। तो हमें यहाँ पे क्या करिए, हमने वन प्लस आर डिवाइड बाई एन, एन को 12 मान लिया और फिर हमने इसको एक अलग सेल में कैलकुलेट किया। फिर आ गया टी मल्टीप्लाई बाई एन, मतलब कि टाइम को हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया अगेन 12 से। अब इन दोनों का पावर निकालना है। तो एक्सेल में जो मैथमेटिकल सिंबल होता है उसको देख लीजिए, प्लस मल्टीप्लाई ये आपका हो जाता है डिवाइड, ये आपका हो जाता है प्लस, और ये हो जाता है आपका पावर। जो पावर आया वो शिफ्ट के साथ सिक्स प्रेस किया उससे आया। अब इन दोनों को ठीक हमने यहाँ से पावर का सेम लगाया सिंबल और इसका पावर लगा दिया। ठीक है, सर। अब लास्ट में ये पूरे रिजल्ट को मल्टीप्लाई कर देना है किससे, 50,000 से। तो रिजल्ट आ गया 82,800, 82,350 रुपये फाइनल रिजल्ट। अगर मैं एक्सेल की फॉर्मूला भी लगाऊं तो इतना ही आएगा। देखिए एक्सेल फॉर्मूला होता है एफ बी, फ्यूचर वैल्यू, और इसमें भी सेम होता है, रेट डिवाइड बाई 12, टाइम मल्टीप्लाई बाई ऑल्सो 12, और ये हमारा पी वी होता है 50,000, 83,350। सही है। अब लेकिन प्रॉब्लम है कि हमने एक्सेल फॉर्मा लगाया तो मुझे एक सेल पे मिल गया, बट ये अलग अलग सेल पे, हम चाहते हैं इसको एक सेल में करना। अब यहाँ एक अच्छी चीज आती है, चीज समझिए, हमने क्या किया, अपनी कैलकुलेशन को तोड़ के स्टेप बाय स्टेप हमने क्या किया, कैलकुलेट किया, हमने फाइनल रिजल्ट पा लिया। अब फाइनल रिजल्ट जो हमने पाया, इस रिजल्ट को हमें यहाँ एक सेल में चाहिए, तो हम बात करेंगे फॉर्मूला मर्ज मेथड। जैसे कि हमने इस पे क्लिक किया तो ए लिंक किससे है, इस पे क्लिक किया तो ए लिंक इन दोनों से है, इस पे क्लिक किया तो ये फॉर्मूला है। तो मैंने इस फॉर्मूले को कॉपी किया, एस्केप मार के बाहर आया, और यहाँ जहाँ पे हमारा डी 12 था उसके जगह पे ब्रैकेट में उसका फॉर्मूला पेस्ट कर दिया। सेम थिंग यहाँ आए, इसका हमें इक्वल के बाद का फॉर्मूला कॉपी किया, और यहाँ ई 12 के जगह पे हमने इसको कॉपी कर दिया। अब मैं इसको यहाँ से डिलीट कर सकता हूँ सिंपली, और फिर यहाँ हमने इसको कॉपी किया और हमने यहाँ पे बी 9 और यहाँ पे एफ 12 है, तो एफ 12 की जगह पे एफ 12 का फॉर्मूला पेस्ट कर दिया। अब इसको डिलीट कर दिया, सारा फॉर्मूला एक्सेल में आया। अब मुझे ये चीज़ को यहाँ रखना है, तो यहाँ से मैंने किया कट और यहाँ कर दिया पेस्ट। कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे सर, कट पेस्ट करेंगे। कॉपी पेस्ट क्यों नहीं करेंगे? कॉपी पेस्ट इसलिए नहीं करेंगे कि हो सकता है कि उसमें जो फॉर्मूला या कुछ अलग लगा होगा तो यहाँ पे पेस्ट स्पेशल जाके वैल्यू उसका ना एन ए नहीं करके आ नहीं जाए या नहीं फिर वैल्यू चेंज नहीं हो जाए, नहीं नहीं इसलिए सुनिए हम सर, कट। सुनिए सुनिए, यहाँ पे 500 लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है 10 30। मैंने क्या किया, रिजल्ट किया कि 500 प्लस 30, राइट। अगर मैं कॉपी करके यहाँ पेस्ट करूँगा तो क्या होगा, रिजल्ट 0 आया। क्यों? क्योंकि आपका कॉपी पेस्ट करने पे सेल इंक्रीज होता है। तो हम दो सेल पे आए तो देखिए दो सेल आगे बढ़ गया, अभी 2 साल आगे बढ़ गया। तो सेम अगर मैं इसको कॉपी करके यहाँ रखूंगा तो रिजल्ट आएगा आर एट ऐसा।
कॉपी पेस्ट करना था, कट कर दिया भाई। हाँ कॉपी पेस्ट आ गया, क्यों? क्योंकि ये आगे ए के बाद इसके पास था ही नहीं था, इसे रेफरेंस में दिक्कत हो गई। मतलब मैं, मेरा ये 500 भी फिक्स है, ये 30 भी फिक्स है, और मैं कॉपी करूंगा तो मुझे, मेरे पास मैं तो कॉपी अगर करता हूँ तो मुझे इन दोनों को फ्रीज करके कॉपी करना पड़ेगा, B14 या और जे फिर फोर्टीन को। हाँ, या फिर मैं इसको उठा उठा के कट पेस्ट या मूव कर दूँ। ओके ठीक ठीक है, है सर। ओके? इसलिए मैंने यहां ठीक से कट करके यहां पेस्ट किया, और देखिए हमने एक एक मैथमेटिकल फॉर्मूला को आसानी से कर लिया। अब क्वेश्चन आता है कि कॉपी पेस्ट वाला जो सिस्टम मैंने बताया वो कारगर है? क्योंकि छोटा सा था ये, तो हम ऐसे भी कर सकते थे। बहुत सारे लोग यूट्यूब पे कमेंट करते कि कर सकते थे। अब एक एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ जो करना मुश्किल है। अब एग्जाम्पल क्या है? कॉस्ट निकालना, एमआरपी, सॉरी एमआरपी निकालना। तो मेरे पास एक 50 रुपीज़ का कॉस्ट है, और मुझे कैलकुलेट करना है एमआरपी। अब एमआरपी कैलकुलेट करने का एक सिस्टम है, क्या है कि मैंने मान लीजिए कि मैन्युफैक्चरर ने क्या किया, 5% का कमीशन रखा और दे दिया किसको? रिटेलर को। इसको सब क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटर को। डिस्ट्रीब्यूटर ने अपने खरीद पर 10% का कमीशन रखा और दे दिया मैन्युफैक्चर इसको, होलसेलर को। रिटेलर नहीं, हो मैन्युफैक्चरर ने दिया डिस्ट्रीब्यूटर को, डिस्ट्रीब्यूटर ने दिया होलसेलर को। अब होलसेलर अपने खरीद पे वो जो है 15% का कमीशन ऐड किया और दे दिया किसको? रिटेलर को। अब रिटेलर ने अपने खरीद पे 20% का कमीशन ऐड किया और किसको दे दिया? कस्टमर को। कस्टमर। तो कस्टमर प्राइस भी था एमआरपी, लेकिन हमने इतना सारा पे किया, हमें एक सेल पे यहाँ चाहिए, तो वही जो फॉर्मूला मर्जिंग मेथड है वही करेंगे। अब इस पे डबल क्लिक करेंगे, हम B17 को यहाँ से कॉपी करके हटा देते हैं, और B17 के जगह पे, सॉरी D18 है ना, D18 के जगह पे D18 का फॉर्मूला हम पेस्ट करते हैं। मतलब अब मैं इसको डिलीट करेंगे तो फॉर्मूला में कोई फर्क नहीं आएगा। वापस मैं D19 को लिया, जहां जहां D19 है वहां वहां, लेकिन ब्रैकेट में। क्यों ब्रैकेट में? बोर्ड मास मेथड में। इसलिए हाँ ब्रैकेट में ये कैलकुलेशन का सीक्वेंस ना बिगड़ गया। ऐसे हम वन बाय वन कॉपी करेंगे और इसके अंदर हम पेस्ट करते चले जाएंगे, वन बाय वन कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट, और धीरे धीरे आपका फॉर्मूला देखेंगे कि बड़ा होता चला जाएगा। ठीक है, ठीक कॉपी, और यहां भी सेम। कॉपी पेस्ट, यहां भी हमारा कॉपी पेस्ट। ठीक है, अब इसको हम कट पेस्ट करेंगे, ठीक है क्योंकि अगर सर। कॉपी पेस्ट किया तो ये आपका B17 की जगह पे एरर आ जाएगा। समझ गया, वो सेल फिक्स है वहां पे, फिर सेल बढ़ जाएगा। हाँ वो इधर आ जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या लग रहा है कि इतना लंबा ठीक फॉर्मूला लगा पाते हैं आप?
नहीं सर, इतना लंबा ऑपरेशन तो करना करना मुश्किल मुश्किल है। है, हम भी नहीं कर पाते सर। बट ये आपने मेरे को तोड़ तोड़ के समझाया है कि मतलब कैसे वहां तक ये फॉर्मूला डिराइव हुआ है। ठीक है, ठीक सर। बारी आती है आपकी, आप जो है इसकी करेंगे प्रैक्टिस।